अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जगत में जो क्षेत्र, जो भौगोलिक क्षेत्र भारत के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो है दक्षिण एशिया का। और दक्षिण एशिया में सहकार और संघर्ष एक ऐसा विषय है जो भारतीय विदेश नीति के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी विश्व स्तर पर प्रभावित करता है। एक रोचक बात यह है कि इस क्षेत्र के, जिसे दक्षेश या सार्क कहा जाता है, तीन प्रमुख देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी एक अविभाजित देश थे। इसके अलावा श्रीलंका और म्यांमार ब्रिटिश शासन के प्रदेश थे, उपनिवेश थे, भारत के साथ जिनका घनिष्ठ नाता था। नेपाल कहने को इतिहास में कभी भी दास नहीं रहा, हमेशा स्वाधीन रहा, मगर नेपाली भी अंग्रेजी साम्राज्यवादियों का आधिपत्य स्वीकार करते थे और एक ब्रिटिश एजेंट या रेजिडेंट हमेशा काठमांडू में रहता था। और विदेश नीति और सामरिक मामलों में नेपाल गोरखा युद्ध में पराजय के बाद कभी भी पूर्णतः स्वाधीन नहीं रहा। भूटान संरक्षित राज्य था, सिक्किम भारत में विलय के पहले संरक्षित राज्य था, और अफगानिस्तान, जिसका एक राष्ट्र राज्य के रूप में निर्माण 20वीं सदी के शुरू में हुआ था, वह भी लगभग पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में था और एक बफर राज्य के रूप में, मध्यस्थ राज्य के रूप में भूमिबद्ध नेपाल की तरह ही रूसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा रेखा निर्धारित करता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह बड़ा भूभाग, इसकी आबादी को अगर आप जोड़ लें तो लगभग चीन का मुकाबला करने वाली आबादी है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। और न केवल एक भौगोलिक एकता इस क्षेत्र की है, एक सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक स्मृतियां हैं कि विश्व के तीन बड़े धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इसी धरती की उपज हैं। और यहाँ इस्लाम ने जब अपनी जड़ें जमाई तो दक्षिण एशिया में इस्लाम का जो मानवतावादी, उदारवादी, सूफी सिलसिले वाला स्वरूप विकसित हुआ, उसके अनुयायी आज भी विश्व में किसी कट्टरपंथी इस्लाम की तुलना में कहीं अधिक हैं। और भारत के जरिए इस इस्लाम की धारा पहुँची मलाक्का होते हुए मलय प्रायद्वीप में और इंडोनेशिया में, जहाँ आज विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है, और वहाँ भी यही संस्करण भारतीय इस्लाम का देखने को मिलता है। तो धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से कहें, आर्थिक सहकार की, एक दूसरे की पूरक होने की क्षमता की दृष्टि से कहें, या राजनीतिक की दृष्टि से कहें, दक्षिण एशिया का एक खास महत्व है। दक्षिण एशिया की सरहद जुड़ती है चीन के साथ, और चीन भले ही दक्षिण एशिया का सदस्य न हो, मगर चीन की हस्ती और मौजूदगी प्रभावित करती है। यदि चीन को संतुलित करने की बात रूस करता है या अमरीका करता है, तो भारत की और दक्षिण एशिया की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है। अब समस्या ये है कि देश के विभाजन के बाद और भारत की आज़ादी के बाद, खासकर पुराने साम्राज्यवादियों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण, भारत के छोटे पड़ोसियों के मन में हमेशा यह शक और संदेह और आशंका बनी रहती है कि भारत दादा की तरह प्रयास करेगा, एक बड़े भाई की तरह उन्हें दबाने की कोशिश करेगा और उनके वाजिब राष्ट्रहित कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। भारत की भरसक कोशिश रहती है कि वह एक तरफा पहल करे, रियायत करे, मगर इसका भयादोहन होता है और इसकी तुष्टीकरण का प्रयास किया जाता है। आज से 2,500 साल पहले कौटिल्य ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसे मंडल सिद्धांत कहा जाता है, कि किसी भी बड़े राष्ट्र राज्य का या सम्राट का पड़ोसी उसका मित्र नहीं हो सकता है। उसके बाद वाली जो मंडल पड़ता है वह राष्ट्र हमारा मित्र बन सकता है, मगर इस सिद्धांत पर पुनर्विचार की ज़रूरत आज है। ये कहा जा सकता है कि हम अपने पड़ोसियों को चुन नहीं सकते, मगर हम अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को चुन सकते हैं। और आज इस बात की ज़रूरत है कि भारत बदले माहौल में अपने पड़ोसियों के साथ भरोसा बढ़ाए, संबंधों को मधुर करे, और जो बंटवारे की कड़वाहट थी उसको दूर कर सके। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के मन में जो शक पैदा हुए थे उन्हें दूर करें, और पाकिस्तान ने जिस तरह एक कट्टरपंथी दहशतगर्दी के प्रभाव में और अमरीकी पश्चिमी सामरिक हितों के दबाव में भारत के साथ निरंतर बैर रखा है, उसके बारे में पुनर्विचार पाकिस्तान करे। और ये संभावना आज उदय हो रही है कि दक्षिण एशिया में सहकार संघर्ष का विकल्प बन सके। बरसों चले गृहयुद्ध के बाद श्रीलंका में शांति लौटी है, पाकिस्तान में नागरिक सरकार निर्वाचित हुई है, बांग्लादेश में 1971 के देशद्रोही बागियों को सजा दिलाने में शेख हसीना सफल हुई है, म्यांमार में भले ही ओंग सान सूची को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निषिद्ध किया गया है, उनका समर्थन जनाधार निरंतर बढ़ता जा रहा है, नेपाल में माओवादियों से मुक्ति नेपाल पा चुका है, और उसके बाद एक जनतांत्रिक सरकार जिसमें माओवादियों की भी हिस्सेदारी अधिक जिम्मेदारी के साथ हो,
बिना जुझारू धार के हो, इसकी संभावना नजर आ रही है। आफाक मोर्चे से पाकिस्तान के हटने, पीछे हटने, अमेरिका की फौजों के लौटने के बाद भारत की मौजूदगी की ज़रूरत लोग समझने लगे हैं। यह जान पड़ता है कि दक्षेश में इस समय भारत की रचनात्मक पहल और सहकार की गुंजाइश बढ़ रही है। नए प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित कर इसका संकेत भी दिया है।